Yes, pre-nursery class. Today we will learn to draw four. Number four. Count them. 1, 2, 3, 4. Our fingers. 4. 1, 2, 3, 4. 4 fingers. Right, today we will draw it. Draw a standing line, then slipping line, then again standing line. Now 4 is ready. You please draw on the dots standing line, then slipping line, then again standing line. ये 4 बना, फिर से करते हैं. Yes, standing line, join dot to dots. Slipping line, join dots to dots. Then again standing line, dots to dots. ये lamps हैं, इसमें आपको color भी करना है. और यहाँ आपके पास ये फैन है, फैन में भी आपको 4 ड्रॉ करना है. ये डॉट टू डॉट्स ज्वाइन करना है, फिर ये स्लिपिंग लाइन आपको ऐसे ज्वाइन करनी है, फिर अगेन आपको स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन करनी है. अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपने देखा होगा यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन है इधर वाली, ये बड़ी होती है और जो इधर वाली है ये इससे छोटी होती है. ये देखिए यहाँ पर भी ये बड़ी है और यहाँ ये यहीं पर रुक जाती है ना, ये देखिए छोटी है. इस फैन में भी देखिएगा ये यहाँ तक आ रही है लेकिन यहाँ ये इससे इतनी छोटी है ना छोटी. तो इस तरह से आपको ये जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन है ये छोटी लगानी है और फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन जो है ये बड़ी लगानी है. हम इसको एल बनाकर भी बना सकते हैं. देखिए अब हम एल कैसे बनाते हैं, आपने इंग्लिश में एल तो सीखा है बनाना. ये स्टैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन, एल बन गया. अब आपको ये स्टैंडिंग लाइन फिर से लगानी है और ये बना 4. ये छोटी लगानी है, ये बड़ी लगानी है, दोनों जो लाइंस हैं वो बराबर नहीं होती हैं. इसके बाद आपके बॉक्सेस में बने हुए हैं, आपको ये भी ड्रॉ करने हैं. ये थोड़े छोटे साइज में हैं और आपको ये ड्रॉ करने हैं, राइट. और इसी तरह से आप सारे ड्रॉ करते रहेंगे और आपके 4 जो हैं वो नीचे लाइन तक लेकर आना है, ज्वाइन करना है इनको नीचे लाइन तक. यहाँ ऊपर भी लाइन से टच करके लेना है, फिर ऐसे बनाना है, फिर ये यहाँ से लेना, इसको टच नहीं करना ऊपर से, इसको नीचे तक लेके आना है, राइट. और इस तरह से आपको ये 4 ड्रॉ करने हैं. आई होप कि तुम्हें ये सब ड्रॉ करने आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे. आज हम यही वाला पेज करेंगे, फिर हम आपको बाद में ये वाला पेज भी करने के लिए देंगे, ठीक है. ओके, हैव अ नाइस डे.